अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा बॉस्टन में आज दूसरा दिन है। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी तो फिर बस कल खाना खाया और सो गए। तो आज जब मैं थोड़ा सा निकली हूँ लेकिन एक ट्रेजिडी हो गई हमारे साथ के हमारी जो गाड़ी का टायर था ना वो ऐसे खड़े खड़े ना वो ब्रस्ट हो गया। आई डोंट नो उसमें कोई चीज़ पोक हो गई थी क्या हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं जा सके। आज थोड़ा सा निकल रही हूँ बाहर। ये बीजेस में आए हैं हम, किसी में एज अ कास्को है, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है और बल्क में चीज़ें मिलती हैं इधर। मौसम बहुत अच्छा है, देखें कितना क्लियर आसमान सूरत। अब अंदर जाके फिर आपको दिखाती हूँ। अनसाल्टेड ये ले लो, अच्छी अच्छा है। केवल अच्छा है। कितने लेने? सब चीजें यहाँ बल्क में होती हैं। ये कॉस्को की तरह का ही है स्टोर। ये बॉस्टन में देसी स्टोर है और यहाँ पे मैंने देखा कि हर चीज़ है इधर, हमारी देसी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एवरीथिंग है इधर। ये देखिए माशाल्लाह भरा हुआ है स्टोर, एवरीथिंग। यार अस्सलाम वालेकुम। ओए मिलो बच्चू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन है बॉस्टन का और गाड़ी जैसा कि आपको बताया था थोड़ा सा तंग कर रही थी, उसे सेट किया है, टायर सेट किया है उसका। तो आज हमने रेस्ट ही किया था घर में, कहीं गए नहीं थे। अब हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं बीच पर। कोई स्पेशल आइसक्रीम है जो भाई खिलाने के लिए लेके जा रहा है हमें, और बच्चे दूसरी गाड़ी में हैं तो चलते हैं रवेयर बीच पर। ये हम बीच पे पहुंच गए हैं लेकिन शाम काफ़ी हो गई है। चलें देखते हैं कितना व्यू जो है वो कैप्चर कर सकते हैं।
बीच पर तो पहुंच गए हम, लेकिन ये कि रात हो गई है, मगरिब का टाइम है अभी, बस नमाज पढ़ी है गाड़ी में, तो बस ऐसी बिजी लाइफ है। और आज इतनी गर्मी थी दोपहर में कि बस कहीं निकलने को दिल नहीं किया हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर ज़रा घूमे फिरेंगे, सब गाड़ी का भी थोड़ा मसला पड़ गया तो इसलिए बस कहीं फिर नहीं सके हम। पहले यहाँ बिल्कुल सामने वाले घर में मेरे भाई और भाभी रहा करते थे और हम विंडो से ये सीन देखा करते थे। ये है बॉस्टन का डाउनटाउन। आज क्योंकि संडे है इसलिए इतनी खामोशी है।